सीएसके हर जगह पिटाई कर रही है और सीएसके को डेफिनेटली पॉइंट्स टेबल पे नंबर वन पर देख के बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। क्यों अच्छा फील हुआ? क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा सीएसके टॉप बॉटम पे फिनिश किया, एकदम दसवें नंबर पर, नौ दस ऐसा ही चल रहा था। दिल बहुत दुखता था भैया सीएसके को इस तरीके से देखकर। पिछले सीजन बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जडेजा की कैप्टेंसी माही रहेंगे नहीं रहेंगे सीएसके में, बहुत सारी चीजें हुई। इन चीजों में ही हम लोग इन्वॉल्व होके रह गए थे कि सीएसके की तरफ से हमें एक अच्छा क्रिकेट देखने को नहीं मिला, बट इस साल वो सारी कसर पूरी हो रही है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है सीएसके की तरफ से। तो डेफिनेटली मजा आया आज का मुकाबला देख के, मजा आया जिस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से सीएसके जीती, 49 रन से जीत, तभी पॉइंट्स टेबल पे नंबर वन पर आई है, क्योंकि नेट रन रेट का बहुत फासला हो गया है। 49 रन से जीतना T20s में बहुत बड़ी बात है। जहां मैचेस जो है सुपर ओवर तक जाते हैं, वहां पे एक टीम अगर 49 रन के मार्जिन से जीत रही है, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। श्रद्धा मैम, मैं आपका ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था। गौरव जी, अरे यार आप मेरा वेट करते हैं गौरव जी, मैं आप लोगों का वेट करती हूँ, मैं आप लोगों का वेट करती हूँ कि भैया मैं कब आपके साथ ऑनलाइन आऊंगी, ऑनलाइन मतलब मैं आपके साथ कब बातचीत करने के लिए आऊंगी। जैसे ही मैच खत्म होता है, आपको यकीन मानिए मैं दो सेकंड भी वेट नहीं करती, मुझे लगता है कि बस ऑन करो कैमरा और आपसे बातचीत होनी चाहिए। भैया मेरे अंदर इतने जज्बात उमड़ रहे हैं, आई एम श्योर आपके अंदर भी उमड़ रहे होंगे आज का मुकाबला देख के। आप सीएसके का फाइनल स्टेडियम में देखेंगे, हम आपको यहाँ मिस कर लेंगे, लेकिन वो मोमेंट आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। डेफिनेटली यार हेल्दी चटोरा जी, आई विश कि मैं उस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रहूं, क्योंकि मुझे सामने एक आखिरी बार माही 7 नंबर जर्सी, एक आखिरी बार पीली जर्सी में माही को देखना है खेलते हुए विकेटों के पीछे भी और बल्ले से भी। तो यार वो एक्चुअल में बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा और आई होप हेल्दी चटोरा जी की ये विश पूरी हो जाए मेरी। अनूप, जब धोनी ने DRS लिया था तो मेरे आंसू आ गए थे। डेफिनेटली धोनी ने DRS जब लिया था, धोनी रिव्यूइंग सिस्टम, DRS का नाम ही धोनी रिव्यूइंग सिस्टम है, डेफिनेटली उस टाइम पर हर कोई इमोशनल हो गया था कि माइट ऐसे लगा कि जब आपने आइडल को अपना बूढ़ा होते हुए देखते हो, जब आपने आइडल को आप थोड़ा सा एज्ड होते हुए देखते हो, आपको पता है कि चंद मूवमेंट है मे बी, मतलब उसके बाद खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पीली जर्सी में नहीं दिखेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग को बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है एज अ फैन, एज अ जर्नलिस्ट और एज अ नॉर्मल इंसान भी, बड़ा ही एक्चुअल में बड़ा ही इमोशनल वो मूवमेंट रहता है। अब शेख आदिल, अगर मैच राजस्थान रॉयल सीएसके है, राजस्थान मारेंगे जयपुर में, क्या बोल रहे हैं शेख आदिल जी, अगर मैच राजस्थान रॉयल सीएसके है तो राजस्थान मारेंगे जयपुर में। अच्छा अगला मैच राजस्थान रॉयल्स बनाम सीएसके है तो राजस्थान, आज देखिए जिस तरीके से राजस्थान ने दिन के मैच में परफॉर्म करा है, डेफिनेटली यार चोक कर गई, क्या बोले, मतलब सीरियसली, मतलब आज दिन का मैच एक्चुअल में डिसअपॉइंटिंग था, मतलब सबको लग रहा था कि राजस्थान जीत जाएगी, यहां से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पहली बार अपना वो मुकाबला खेल रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो पहली बार मुकाबला खेल रहे थे, ये बात, क्योंकि इस सीजन में हमने उनको नहीं देखा और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वो आए, कुछ नहीं कर पाए और RCB मुकाबला जीत गए। तो RCB देखिए पटरी पर चल रही है, विनिंग पटरी पर RCB भी तेजी से दौड़ रही है, तेजी से चल रही है। मतलब मोहित शर्मा, हेलो मैम, हेलो मोहित जी, कैसे हैं आप मैम? इस बार MI वर्सेज CSK में फाइनल होगा, MI वर्सेज CSK में फाइनल होगा मोहित जी? बिल्कुल, देखिए MI वर्सेज CSK में डेफिनेटली फाइनल होगा, उम्मीद करेंगे, CSK तो जानी चाहिए, अगर MI वर्सेज CSK हुआ तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा, फिर एल क्लासिको, हमें एल क्लासिको IPL की सबसे पुरानी राइवलरी देखने को मिलेगी और इससे बेटर कुछ नहीं होगा। मोहित शर्मा, चाहिए भक्ति नेटवर्क कह रहे हैं कि CSK विल विन द ट्रॉफी फॉर फिफ्थ टाइम 28 मई 2023। उम्मीद करेंगे भक्ति जी कि CSK ट्रॉफी उठाए, क्योंकि डिजर्व करती है पूरी तरीके से और धोनी इतना डिजर्व करता है कि आखिरी बार CSK वाले उनके लिए ट्रॉफी उठा के लेके जाए, ट्रॉफी अपने घर ले आए, तो धोनी को एक अच्छा खासा फेयरवेल गिफ्ट भी जो है वो देना चाहेंगे। अनूप कह रहे हैं अब लगातार CSK ही जीते की उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं अनूप की लगातार CSK ही जीते,
और सीएसके लगातार तीन बार, देखिए लगातार तीन बार जीत गए, जीत के हैट्रिक लगा दिया सीएसके ने आज। और जिस तरीके से आज इतना बड़ा टोटल 236 का टोटल जो है केकेआर को दे दिया था, जो कि आईपीएल साल 2023 का सबसे बिगेस्ट इनिंग टोटल है, तो यार ऑब्वियसली मतलब आप सोचिए इनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता ही जा रहा है। और एक अच्छी चीज ये है, विदाउट बेन स्टोक्स, विदाउट दीपक चाहर ये लोग खेले हैं, विदाउट मुकेश चौधरी, ठीक है बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है इनके पास, उनके बिना ये खेले हैं। तो डेफिनेटली अगर उनका मतलब कमी नहीं खली, आप देखिए अजिंक्य रहाणे, आपने देखा था कभी अजिंक्य रहाणे का इस तरीके से रूप देखा था, है ना, मतलब इतना स्लो खेलते थे, माना कि आईपीएल में उनके पास दो सेंचुरीज है, दो बार शतक लगा चुके हैं, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आज वो परफॉर्म कर रहे थे, अग्रेसिव अप्रोच हमें आज देखने को मिली, तो ऐसे अजिंक्य रहाणे तो मैंने राजस्थान में जब थे तब भी नहीं देखे थे, मतलब बहुत डिफरेंट अजिंक्य रहाणे देखे। मोहित कह रहे हैं, मोहित अच्छा, रोहित शर्मा इज अ सिक्सर किंग फॉर फॉर्मेट आईपीएल 250 सिक्स फर्स्ट इंडियन बैट्समैन। डेफिनेटली देखिए मोहित शर्मा जी, रोहित शर्मा ने डेफिनेटली ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो ना विराट कोहली बना सके ना कोई बना सका। 250 सिक्स बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, पहले भारतीय खिलाड़ी वो बन गए, बहुत बड़ी बात है। और अभी ये शुरुआत है, आई बिलीव ये शुरुआत है, आगे आने वाले और भी रिकॉर्ड्स जो वो रोहित शर्मा के नाम होने वाले हैं। हेल्दी चटोरा, एमआई वर्सेस सीएसके हुआ तो कल मेरी वाली डील एक्टिवेट हो जाएगी श्रद्धा, आपको याद है ना केक का प्रॉमिस। डेफिनेटली हेल्दी चटोरा जी, मुझे डेफिनेटली याद है आपके केक का प्रॉमिस, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके केक का प्रॉमिस की पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। श्रद्धा आपकी तबीयत ठीक कैसी है, कल आप कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज काफी बेटर लग रही है। देखिए आज थोड़ी सी बेटर है, आज थोड़ी सी बेटर है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से ठीक है, बट आज थोड़ी सी एज कंपेरिजन कल के मामले में, है ना, आज थोड़ी सी बेटर है। बट थैंक्स फॉर आस्किंग, आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतना सम्मान देते हैं कि बस मेरे को लगता है कि यार आप लोगों की मेडिसिन हो, आप लोगों की दवाइयां हो, आप से बात हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और आज सीएसके का मैच था तो भैया तबियत ऑटोमेटिकली वैसी ठीक हो गई, डेफिनेटली अभी भी चीजें हैं, अभी भी थोड़ा सा तबियत है वैसी, मतलब वैसे 50-50 वाला मामला है, बट नेवरतलेस आप लोगों के बीच में आना जरूरी था, आपसे बातचीत करनी जरूरी थी। लाइक करते रहिए यार, आप लोग लाइक करते रहिए। देखिए 49 रन से ये मुकाबला जीत लिया है, 49 रन से ये मुकाबला जो है जीत लिया है सीएसके ने, और बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत हमें देखने को मिली आज के मुकाबले में। और जिस तरीके से सीएसके ने परफॉर्म किया, डेफिनेटली आज एक अलग सीएसके हमें नजर आई, मतलब बड़े प्लेयर्स के बिना सीएसके खेल रही थी, बड़े बड़े प्लेयर्स के बिना सीएसके खेल रही थी। बेन स्टोक्स की कमी अजिंक्य रहाणे ने पूरी, मतलब बेन स्टोक्स की कमी जो अजिंक्य रहाणे ने खलने नहीं दी हमें बिल्कुल भी। रहाणे तो क्या नेक्स्ट लेवल पर थे, नेक्स्ट लेवल पर रहाणे आज हमें देखने को मिले हैं। शिवम दुबे, देखिये शिवम दुबे का ऐसा रहता है कभी इधर